हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैर से होंगे। जब से ये ट्रेडमिल लाई है ना मैंने, ये वाली ट्रेडमिल जब से लाई है, अभी तक मैंने कंसिस्टेंट नहीं रहा ये जॉगिंग करने में, और वो भी इस ट्रेडमिल के ऊपर, वो भी इस तरह। देखें आप, बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है ये ट्रेडमिल। जब से मैंने ली है अभी तक मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। दरअसल ये लेने का मकसद, एक तो सस्ती मिल रही थी और दूसरा घर वालों के लिए ली थी, अम्मी के लिए, सिस्टर के लिए, अबू के लिए भी और अपने लिए भी। मैं तो है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि घर वालों को ज़्यादा ज़रूरत थी और वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैंने इसको अंदर रखा हुआ है और मैं भी नहीं करता हूँ इस्तेमाल। तो हम इतने कंसिस्टेंट है, मैं इतना कंसिस्टेंट हुई नहीं। ये ट्रेडमिल दरअसल आई थी 3000 रुपये की। अब 3000 की चीज़ आप कैसे, अब ये इतनी महंगी चीज़ है ये, ठीक है, और ये 3000 रुपये की आपको मिली है। तो मुझे बहुत से कमेंट्स जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी उसके नीचे आए थे। एक ने कहा भाई मुझे दे दो, दूसरे ने कहा किधर से मिलती है, फिर किसी ने जवाब दिया भाई मुझे चाहिए, कहाँ से मिलेगी। तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई ये है कि यह ट्रेडमिल मैंने किसी को नहीं देनी है, ये मैंने अपने लिए रखी हुई है, अपनी फैमिली के लिए, और इतनी मुनासिब जो है बार बार मिलती भी नहीं, और ये पता नहीं कैसे मिल गई है। ये ऐसा सीन था कि मैं सोया हुआ था, अबू सुबह ऑफिस जा रहे थे, अबू की कॉल आई कि फलां जगह पे ट्रेडमिल खड़ी है, तो मैंने उसको पैसे ऐसे दे दिए, तो तुम जाके वो ट्रेडमिल रक्षे पर रख के ले आओ। मैं गया, मैं रक्षे पर रख के ले आया, आप वीडियो देख लें पुरानी, आपको पता चल जाएगा। तो ये ट्रेडमिल मुझे जो है वो किसी को नहीं देनी है, किसी फैमिली मेंबर को नहीं देनी है, रिलेटिव में, और बाहर भी कहीं भी बेचनी भेजनी नहीं है। इसमें थोड़ा सा काम था, वो काम ये था, इसके जो वहाँ पे जो बैरिंग है, ठीक है, वो बैरिंग जो है वो ख़राब थे और ये ऐसे मूव नहीं करती थी जैसे ये मूव कर रही है अभी। तो मैंने फिर ख़राबी है के पास लेके गया, ये सारी मैंने खोली हुई है, इसकी सर्वर से A to Z मैंने की थी खोल के, और खोल के इसके बाद हम इसको खरादिया के पास लेके गए। इससे हमने जेन्युइन किसे जो बेयरिंग होते हैं ना, वो खरादिया ने इसके अंदर वेल्ड किए थे, जेन्युइन किस्म के, ठीक है, जापानी, और 1200 रुपया खर्चा हुआ था हमारा इस पर, और ये हमें टोटल पड़ गई 4500 रुपये की। अब एक चीज़ जो कि 20000 रुपये की है, ठीक है, वो अगर आपको 4500 रुपये में भी पड़ रही है तो वो मारी नहीं है, मारी होता है क्या होता है, मारी मारी नहीं है, मतलब बुरी नहीं है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और घर वाले नहीं करते हैं, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ कंसिस्टेंट। इस ट्रेडमिल के ऊपर मेरे कपड़े शलवार पड़ी रहती है, और ये सारी चीज़ें वही जो पड़ी होती है जो वीडियो में आप देखते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन यह है कि अब इंशाल्लाह मैंने सोचा मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, क्योंकि जॉगिंग करेंगे, और सुबह अबू को भी और अम्मी को भी मैं ज़रा कराता हूँ ना जॉगिंग, इंशाल्लाह। वाइफ की तो ज़रूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, या रेडी फिट फॉर्ड है मेरी तरह, ठीक है। तो माशाल्लाह बर्ड्स खाना खा रहे हैं, दिखाएं सर, ये देखें लव बर्ड, जूम नहीं होगा, तेज़ हो गया उठाएंगे, नज़ीक है। ये ट्रेडमिल 3-in-1 है, 3-in-1 कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है ना, एक तो ये हम इसमें भाग सकते हैं, दूसरा इसमें ये चलेगा ऊपर लगाए मेरी तरफ, एक इसमें ये दूर से चलेंगे ना सब कुछ है, एक इसमें ये वाली चीज़ है, इसको दोबारा पैक करते हैं, इसको पैक करने का तरीका दिखाएं, करीब है तो कैमरा मैन को पता चल जाना चाहिए कब करीब आना है कब दूर आना है, और करीब है। ये जो है काबला, इस काबले से जो है इस काबले से ना यहाँ पे लगता है, ये काबला यहाँ पे, यहाँ काबला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है,
अब इसमें जो तीसरी चीज़ है, क्योंकि ये 3-in-1 है, 3-in-1 मैनुअल ट्रेडमिल है। अब तीसरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये चीज़ यहाँ से आके आप दिखाएं जरा, पाउंड दिखाएं हंसते यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे पाँव घुसाएंगे, पाँव घुसा के आप यहाँ से दिखाएं, यूँ करेंगे या यूँ करेंगे या यूँ करेंगे, ये हो गई हमारे पास तीन चीज़ें, ठीक है। तो क्रीम है ये ट्रेडमिल, दरअसल आपको मिलेगी कबाड़खाने से। मैं आपको जो सही बात बता रहा हूँ, ये कबाड़खाने से ही मैंने उठाई थी, और ये कबाड़खाने से ही आपको मिल सकती है। कबाड़खानों के चक्कर चक्कर मारा करें, वहाँ से आपको ना कोई पीस इस तरह का मिलेगा, उसको आप लेके, उसको आप हरादी के पास लेके जाएँ, बैरिंग शेयर नेट डलवा लें, और वो आपके लिए एक नई मशीन हो जाएगी। और एक अलग की गेम होती है सारी, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती। मैंने कबाड़खानों में, और जो पिंडी इस्लामाबाद में अगर रहते हैं तो पिंडी इस्लामाबाद में जो चोर बाज़ार लगते हैं, जैसे संडे को संडे बाज़ार लगता है, जुम्मे को जुम्मा बाज़ार लगता है, और अक्सर लोग उसे चोर बाज़ार भी कहते हैं, लेकिन चोर बाज़ार नहीं कहना चाहिए, संडे बाज़ार और जुम्मा बाज़ार जो लगता है, तो वहाँ पर आप जाया करें। वहाँ पर सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स हैं वो आते हैं, जो यूज़ हुए होते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा कबाड़खानों का चक्कर शक्कर मारा करें, तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आज से मैं कंसिस्टेंट ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं भागेंगे, ज़्यादा भागा तो थक जाता है बंदा, तो फिर वो दिल ही नहीं करता है थकावट की वजह से। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा इतू सा करेंगे। तो अभी करते हैं नाश्ता, आप जाएँ नाश्ता बनाएं, मैं लाता हूँ, ठीक है। ब्लॉग कमेंट करते हैं, आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो नीचे कमेंट ना करें, मुझे दे दें, मुझे दे दें, मैं किसी को नहीं देनी, यह ट्रेडमिल ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए है।